हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे राइफल मैन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही क्या है, शानदार होने वाली है। देखो, हम पोस्ट के दो पार्ट पहले कम्प्लीट कर चुके हैं और उनमें हमने पोस्ट के चार टाइप है वो क्या कर लिए, कम्प्लीट कर लिए है। तो आज मैं आपके लिए फिर से दो तरह के टाइप है वो कम्प्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और बड़ा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैंने कहा था, अगर आपने मेरे दोस्त की सभी वीडियो देख ली तो दोस्त आपका क्या बन जाएगा बेटा, दोस्त बन जाएगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, मैंने कहा एक नई आपको औसत दिया होगा, क्या दिया होगा आपको, जो भी मतलब पुराना औसत दिया होगा, कहेगा एक नई संख्या को शामिल करने पे औसत में परिवर्तन है वो किस प्रकार होने वाला है। इसमें भी देखो, इस टाइप में मैंने दो केस बना लिए। देखो, दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है, यहां से दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक तो देखो, जो नया सदस्य शामिल कर रहे हैं, यानी जो नई संख्या शामिल कर रहे हैं, अगर वह औसत से बड़ी है, अगर वो संख्या औसत से बड़ी है तो वो क्या करेगी, वो औसत को बढ़ा देगी। क्या कर देगी भाई, औसत को बढ़ा देगी। अगर देखो, हम नई संख्या शामिल कर रहे हैं वो औसत से छोटी है तो वो क्या करेगी, औसत को घटा देगी। औसत को क्या कर देगी भाई, घटा देगी। देखो, इसको समझो, एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा ऐसे समझ में नहीं आएगा, अरे एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा भाई, आपके पास वालों कोई संख्या दी हुई है, मैंने मान लिया एक संख्या है आपके पास 5, एक 6 है, एक 7 है, ठीक है। मैंने कहा इनका औसत निकालो, आपने कहा सर 3 संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है तो इनका औसत आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। आपने कहा सर कैसे निकाला, मैंने कहा बच्चों वाला मेथड नहीं, एपी है और एपी के बीच वाला पद ही उसका क्या होता है, औसत होता है। बता दिया था मैंने, दूसरों को उड़ाना सिखा दिया था, एपी वाला मेथड बता दिया था। अब मैंने कहा एक नई संख्या लेके आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, एक नई संख्या इनके अंदर शामिल कर रहा हूं। मैंने कहा मैं एक संख्या 10 लेके आ रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं भाई, 10 लेके आ रहा हूं, एक नई संख्या लेके आ रहा हूं, उसका कितना है मान 10 है। देखो, ये औसत से बड़ी है क्या, मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या लेके आ रहा हूं, औसत 6 था, मैं 6 से बड़ी संख्या लेके आ रहा हूं, तो 6 से बड़ी संख्या है वो है 10। मैंने कहा इसको इसके अंदर शामिल करो, 5 + 6 + 7 + 10, अब संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। नई संख्या आने के बाद में कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब निकालो इसका औसत कितना आएगा। आप कहेंगे सर 6, 5, 11, 7, 18 और 10, 28 होता है, और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या को शामिल किया तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा, +1 बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। मैं औसत से बड़ी संख्या लेके आया तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया। इसको दिमाग में बैठा लो, जब भी औसत से बड़ी संख्या शामिल करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों पते के हैं, दिमाग में रखनी है। अगर ये दिमाग में रहेंगे ना, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन को क्या करोगे, उड़ा उड़ा के सोल्व करने वाले हो। मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या आ रही है तो औसत बढ़ेगा, और अगर औसत से छोटी संख्या को शामिल किया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको भी समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूं फिर से। मैंने कहा यही एग्जाम्पल ले लेते, 3 संख्या दे रखी है और उनका औसत है 6, कितना है भाई, औसत 6। मैंने कहा एक नई संख्या लेके आ रहा हूं जो क्या है, औसत से छोटी है। इसका मतलब देखो, 2 संख्या ले रहा हूं जिसका मान कितना है 2, बताओ औसत से छोटी है ना, औसत तो है 6 और नई संख्या आ रही है वो इससे छोटी है, कितनी 2 है, मालूम कितनी है। तो मैंने इसके अंदर नई संख्या को शामिल किया, नई संख्या को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। अब संख्या देखो 3 नहीं, अब संख्या कितनी हो गई भाई, संख्या अब 4 हो चुकी है, ठीक है भाई, 4 है, 6, 5, 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 7 हो गया 20। जैसे 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, औसत 5 आ जाएगा। मैंने कहा औसत से छोटी संख्या को शामिल किया तो औसत घट गया, कितना, -1 घट गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। तो ये दोनों बातें आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। जब भी कहे औसत से बड़ी संख्या शामिल हो रही है तो औसत बढ़ रहा है, अरे औसत से छोटी संख्या शामिल हो रहा है तो औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा।
अब चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब क्वेश्चन को देखो कैसे आने वाले है। पहले बेसिक मेथड से कराऊंगा, फिर क्या है ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर यहां से क्वेश्चनों को उड़ाना चालू कर दिया तो लास्ट तक क्वेश्चनों को उड़ाते ही जाओगे, अगर यहां से ध्यान से नहीं देखा तो क्वेश्चन को उड़ाओगे नहीं, क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, उड़ा देगा। कह रहा है पांच सदस्यों के परिवार में औसत आयु कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है। कह रहा है अगर 42 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर रहा है, देखो संख्या लेके आ रहा है, औसत कितना था भाई, औसत था 30, पहले औसत कितना था 30 था, तो अब एक नई संख्या लेके आ रहा है 42, बताओ औसत से बड़ी है ना, औसत से बड़ी संख्या लेके आ रहा है, तो बताओ औसत घटेगा या बढ़ेगा, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों क्या होने वाला है, बढ़ेगा, क्योंकि औसत से बड़ी संख्या आ रही है, तो औसत क्या होगा, बढ़ने वाला है। तो पहले तो बेसिक मेथड समझो, तो मैंने आपको बताया था औसत का मतलब क्या होता है, पहली क्लास में बता दिया था औसत का मतलब होता है सब में समान वितरण करना। मैंने मानो पांच तीन संख्या ली, 5, 6, 7, और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो औसत आया 6। इसके कहने के मतलब है सभी संख्या को 6-6 कर दो, क्या कर दो, समान वितरण कर दो, सभी संख्या 6-6 ले लो तो भी औसत कितना आएगा, 6 × 3 = 18, और 18 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आएगा, 6। तो ये 3 संख्या थी, इसका औसत निकाला, इसका मतलब सभी संख्याओं को हमें समान मान लिया, कितनी है वो सभी संख्याएं, अगर 6-6 होगी तो फिर से औसत कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो औसत का काम ही यही होता है कि सभी संख्याओं में समान वितरण करना। भाई मैंने लड्डू वाला ऑप्शन समझाया था, मैंने कहा इसके पास ज्यादा है तो एक इसको दे देगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, और ये तो 6 पहले से ही था। तो औसत का काम यही होता है कि समान वितरण करना, सब में समान वितरण करना। तो यहाँ पे देखो बेसिक मेथड इसे कैसे करते हैं, मैंने कहा बेसिक्स बताऊंगा, फिर क्वेश्चनों को क्या है ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। तो बेसिक मेथड ये है भाई, पांच सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 है, तो पांच सदस्यों की आयु देखो औसत 30 है, इसका मतलब सभी संख्याओं को हम क्या मान सकते हैं, मैंने कहा सभी संख्याओं को हम 30-30 मान सकते हैं, भाई सभी संख्याओं को हम क्या मान सकते हैं 30, मैंने कहा पांच संख्या है सभी कितनी है 30-30 है, कितनी है भाई 30-30 है, ठीक है। 42 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर रहा है, एक नई संख्या आ गई, मैंने कहा इसके एक नई संख्या आ रही है 42, अब कितने सदस्य हो गए, पहले 5 थे अब कितने हो गए भाई 6 हो गए, इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, मैंने कहा जोड़ के देखो, 5 बार 30 को जोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब 5 × 30 प्लस नया सदस्य आया है उसकी आयु है 42, कितनी है 42 है। तो अब देखो इसको कैसे करना है, सोल्व कर लेंगे भाई, 5 × 3 = 15 होता है, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, प्लस 42 है, प्लस कितना है 42, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 150 में 42 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 192 आ जाएगा। मैंने कहा 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, तो आपने कहा सर 6 × 3 होता है 18, बच गया 1 × 6 = 12, इसका मतलब 32 हो गया, कितना हो गया औसत 32 हो गया। तो औसत देखो बढ़ गया ना, पहले 30 था अब कितना हो गया 32 हो गया। तो देखो सभी संख्याएं 30-30 थी, इनसे बड़ी एक संख्या आई, औसत से एक बड़ी संख्या आई, तो औसत को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, औसत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब ये तो था बेसिक मेथड, ये तो था बेसिक मेथड, अब ट्रिक क्या रहेगी हमारी, ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। मैंने कहा समझो भाई, ट्रिक से क्वेश्चन को उड़ाने वाले है, ट्रिक बहुत ही शानदार होने वाली है। तो ट्रिक क्या है, मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या आ रही है, तो आपको पता करना है औसत कितना बढ़ेगा भाई, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो औसत कितना बढ़ेगा भाई, ऐसे कर लेते हैं, औसत कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, आपको पता करना है बढ़ेगा या घटेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर बड़ी संख्या आ रही है तो औसत बढ़ेगा, छोटी संख्या आ रही है तो औसत घटेगा। तो नीचे लिखना है कुल सदस्य, नीचे लिखना आपको कुल सदस्य, कुल नए सदस्य, अरे भाई कुल नए सदस्य यानी जो भी आ रहा है उसके आने के बाद में जुड़ के कितने सदस्य बन गए वो लिखने हैं, कुल नए सदस्य भाई, अब नए कितने हो गए, कुल नए सदस्य बराबर में आपको लिखना है औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन लिखना है, औसत में परिवर्तन। अब समझो क्वेश्चनों को करना किसे, मैंने कहा ये सूत्र क्या है, दिमाग में बैठा लेना, ये सूत्र दिमाग में बैठा लेना, एक एक सूत्र से हम सभी टाइप क्या है कंप्लीट करने वाले हैं,
तो यहीं से मैंने कहा इसको क्या है दिमाग में फिट कर लेना। मैंने कहा एक संख्या आ रही है, कितनी आ रही है? आप तो कहोगे सर 42 आ रही है। मैंने कहा औसत से बड़ी है या छोटी? आप कहेंगे सर औसत से बड़ी है, तो मैं कहूंगा औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इसका मतलब, पहले 30 थी अब कितना है 42 है, तो कितना अधिक है बताओ? 30 से 42, 42 में से 30 निकालेंगे तो कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है। कितना है? 12 ज्यादा है। अरे भाई 12 ज्यादा है तो कितना बढ़ेगा? मैंने कहा 12 बढ़ेगा। और कितने सदस्यों में बढ़ने वाला है? कितने सदस्य हो गए, कुल नए सदस्य कितने हैं? तो कुल नए सदस्य पहले 5 थे, एक और आ गया, एक और आ गया, एक नौकर को भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो सदस्य कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 × 12 होता है कितना आ गया? 2। तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ? +2। कितना हुआ? मैंने कहा बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना? बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई? 2 बढ़ेगा। मैंने कहा पहले 30 था अब 2 और बढ़ गया, पहले 30 था अब 2 बढ़ गया, इसका मतलब औसत, नया औसत कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। तो ये थी हमारी ट्रिक, पहले पता करना है कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये पता कर लिया भाई। हमें पता है औसत से बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ेगा, औसत से छोटी संख्या आएगी तो औसत घटेगा। अब भाई कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? तो संख्या ज्यादा कितनी है? 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। कितने सदस्यों में बंटेगी? आपने कहा सर पहले 5 थे अब कितने हो गए? 6, तो 6 में बंटेगी। तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। तो हमें पता चल गया 2 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसमें परिवर्तन? 2 होगा। तो पहले 30 था अब 30 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया भाई? 32 हो गया। यही कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला वाला क्वेश्चन पहले बेसिक से करेंगे फिर ट्रिक से करने वाला हूं। देखो बेसिक मेथड क्या है इसका भाई? बेसिक मेथड ये कहता है कि एक बल्लेबाज के पिछले 15 मैचों का औसत है 26। कितना दे रखा है औसत? 26 दे रखा है। पहले वाला औसत 26 था, अब कह रहा है 16वें मैच में, यानी एक नया मैच हुआ जिसमें उसने 51 रन बनाए हैं। मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या आ रही है, औसत से बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब औसत बढ़ने वाला है, औसत बढ़ने वाला है, बढ़ के 26 से ज्यादा होगा, 26 से ज्यादा होगा। तो देखो आप कभी कभी क्या है, करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाता है। मैंने कहा 26 से ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये तो ऑप्शन एक तो पहले काट गया। मैंने कहा 26 से बड़ा होगा, औसत 26 से बड़ा होने वाला है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। कह रहे पिछली 15 मैचों में औसत 26 था, इसका मतलब मैं 15 औसत सभी पारी है ना, उनमें कितनी मान सकता हूँ? 26 रन मान सकता हूँ, 26 रन मान सकता हूँ। अब एक नई 16वीं पारी आ रही है उसमें 51 रन बना रहा है। कितना बना रहा है? 51 रन बना रहा है। तो सभी पारियां कितनी हो गई? 16 हो गई। कितनी हो गई? 16 हो गई। तो देखो बेसिक मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा होने वाली है, और ट्रिक से करेंगे तो एकदम एक सेकंड में हो जाएगा, एक सेकंड से होने वाला है, इसलिए ट्रिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखो करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा 26 को 15 से गुणा करो, 26 को 15 से गुणा करो, 15 छक्की कितना होता है? 90 होता है। 15 × 2 = 30 और 9 कितना हो गया? 390 हो गया। प्लस 51 है बट्टा 16 है। 390 में 51 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 441 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 16 से। तो भाई 441 को 16 से डिवाइड करो कितना आएगा? 16 तिया कितना होता है? 42 होता है। बच गया 2, उतारा 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा? 16 × 16 होगा। अब कितना आएगा? मैंने कहा 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। तो अब कितना होगा? तो यहाँ पे कहीं गलती थी, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48 होता है। 16 × 3 कितना होता है भाई? 48 होता है। तो हमें तो देखो 16 × 2 = 32 दो बार डिवाइड होगा, पूरा ही दोबारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोबारा 441 को 16 से, तो 16 × 2 = कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है भाई? 32 होता है। तो 2 आ गया, 1 आ गया, 121 आ गया। अब कितनी बार डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर 16 × 112 होता है, 16 × 112 होता है। 121 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 112 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आगे कितनी बार डिवाइड होगा? अरे 16 × 5 = कितना होगा? 16 × 5 = 80 होता है क्या? 16 × 5 = 80, 10 आ जाएगा, एक जीरो उतार लेंगे तो 16 × 6 = 96 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, 27.56 आएगा, 27.56 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। अरे भाई ये तो क्या था, बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, हमें तो क्या करना है, हमें तो समय की बचत करनी है। अरे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समय की बचत होगी, अगर एसएससी जीडी में लगना है ना तो देखो 1 घंटा यानी 60 मिनट में 80% करने हैं, कितने परसेंट, 80% करने हैं, तो समय की बचत करनी पड़ेगी, और समय की बचत करनी है तो क्वेश्चनों को उड़ाना सीखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे, मैंने कहा ट्रिक को समझो, ट्रिक को समझ लिया तो क्वेश्चन को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। तो ट्रिक समझो, ट्रिक से कैसे करेंगे, मैंने कहा एक बल्लेबाज संख्या देखो औसत से बड़ी संख्या आ रही है तो औसत बढ़ेगा, तो मैंने कहा एक ही ट्रिक है अपनी, कितना बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा भाई, अब सीधा लिख रहा हूं कितना बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ेगा, और नीचे मैंने कहा कुल सदस्य, कुल नए सदस्य आएगा, और औसत में परिवर्तन आगे है, औसत में परिवर्तन कितना होगा, औसत में परिवर्तन, ये थी हमारी क्या ट्रिक थी, मैंने कहा ये सूत्र दिमाग में रखना है, ये सूत्र क्या करना है दिमाग में रखना है। अब भाई देखो नई संख्या आ रही तो कितनी ज्यादा है, मैंने कहा कितनी बढ़ेगी तो कितनी ज्यादा है बताओ, पहले 26 थी अब 51 हो गई तो कितनी ज्यादा है, आप कहेंगे सर 51 में से 26 निकालेंगे तो कितना आएगा, मैंने कहा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, पहले सदस्य पहले कितने थे 15 मैच थे, कितने मैच थे भाई 15 मैच थे, अब टोटल मैच कितने हो गए, आप कहेंगे सर अब टोटल मैच 16 हो गए, कितने हो गए 16 हो गए, मैंने कहा 25 को 16 से डिवाइड करो कितना आएगा, आपने कहा सर डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा, मैंने कहा 16 पंजो कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 पंजो होता है 80, 16 पंजो कितना होता है 80 होता है, तो ये हो गया हमारा 80 प्लस 15 आ गया, अब कितना आएगा, मैंने कहा अब करो प्लस 6, कितना आएगा, मैंने कहा अरे एक पॉइंट तो लगाया ही नहीं, हमने पॉइंट तो लगाया ही नहीं, तो 1.5 आ गया, 16 पंजो 80 हो गया, एक जीरो उठा लो, 16 छक्की कितना हो गया, 16 छक्की 96 हो गया, तो यहाँ पे हमें तो मिल गया 1.56 मिल गया, तो औसत कितना बढ़ेगा दोस्त, औसत बढ़ने वाला है 1.56 बढ़ने वाला, पहले कितना था, आप कहेंगे सर पहले 26 था, पहले 26 था, 1.56 और बढ़ जाएगा, मैंने कहा था ना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो फिर बढ़ गया, मैंने कहा बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है बढ़ने वाला है, तो 25 एक कितना हो जाएगा, 26 एक हो गया 27.56, अभी वैसे किया था तो 27.56 हो गया है, अभी भी 27.56 ही आया है, तो ट्रिक से देखो कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई, अगर एक बार सीख लिया ना तो 5 मिनट में हो जाएगा, 5 सेकंड में हो जाएगा, कैसे होगा, मैंने कहा ऐसे करना है, बल्लेबाज देखो 15 मैच होगा, औसत 26 है तो कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे सर 25 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 25 बढ़ेगा, और नीचे कुल मैच कितने हो जाएंगे 25/16, तो 25 को 16 से डिवाइड किया तो 1.56 आ जाएगा, हम कहेंगे 26 में 1.56 जोड़ लो तो 27.56 हो जाएगा, ऐसे करना है। अब आगे सभी क्वेश्चन हम ट्रिक से करने वाले हैं, अब बेसिक मेथड नहीं बनाने बताने वाला हूं, बेसिक मेथड आपको मैंने बता चुका हूं, अब हम सभी क्वेश्चन क्या है उड़ाने वाले हैं, मैं हर बार यही करता हूं, पहले आपको धीरे धीरे क्या है ऊपर ले जाता हूं, धीरे धीरे बेसिक मेथड बताता हूं, फिर क्या है ट्रिक से क्वेश्चनों को उड़ाना सिखाता हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 62 है, औसत कितना है 62 दे रखा है, और छठे विषय में क्या है 71 अंक शामिल कर रहा है, भाई देखो औसत से बड़ी संख्या आ रही है, औसत से बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब औसत बढ़ने वाला है, मैंने कहा अरे दोस्त औसत कितना बढ़ने वाला है, आपने कहा सर 71 में से 62 घटाएंगे तो 9 बढ़ने वाला है, कितना बढ़ने वाला है 9 बढ़ने वाला है, मैंने कहा पहले 5 विषय थे, नीचे कुल आता है ना, नीचे ने टोटल सदस्य आते हैं, मैंने कहा पहले 5 विषय थे एक और आ गए, अब कितने विषय हो गए 6 विषय हो गए, कितने विषय हो गए 6 विषय, मैंने कहा बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है तो 9 को 6 से डिवाइड करो, आपने कहा सर 9 को 6 से डिवाइड किया तो 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 3 बचा 6 5 30 हो गया, 1.5 बढ़ा, कितना बढ़ा 1.5, मैंने कहा पहला औसत कितना था, आप कहेंगे सर पहले तो 62 था, मैंने कहा नई संख्या बड़ी आई है तो औसत बढ़ेगा, औसत
बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 1.5 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, अरे भाई 63.5 बढ़ेगा, 63.5 हो जाएगा, बढ़ गए 62-63 और 63.5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो गया। क्वेश्चन को क्या कर दिया रे, उड़ा दिया, क्वेश्चन को क्या कर दिया, उड़ा दिया। सभी क्वेश्चनों को हम इसी ट्रिक से क्या है, उड़ाने वाले हैं, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान रखना, इसीलिए कहा था ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, अब औसत बढ़ गया, अब औसत बढ़ गया, कितना हो गया, 8.5 हो गया, करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी। अब इसने क्या किया, औसत कितना पड़ रहा है, वो तो पहले दे दिया। अब आपको उस संख्या का पता करना है कि वो संख्या कितनी थी। मैंने कहा औसत बढ़ रहा है, इसलिए वो संख्या जो आएगी वो इस औसत से क्या है, ज्यादा होने वाली है, क्योंकि औसत से बड़ी संख्या जोड़ने पे औसत क्या होता है, बढ़ता है। मैंने कहा ट्रिक सेम रहेगी, आप कहेंगे सर कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मैंने कहा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है संख्या, अब हमें संख्या निकालनी है ना, मैंने कहा संख्या कितनी ज्यादा है, आपने कहा सर कितनी ज्यादा है, मैंने कहा पता नहीं है, ये तो हमें क्या करनी है, पता करनी है कुल संख्या कितनी होगी, आपने कहा सर 11 थी, अब होगी 12, कितनी होगी 12, मैंने यहाँ पे लिखा था औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन कितना हुआ है, आपने कहा सर यहाँ पे औसत में परिवर्तन लिखना है, औसत में परिवर्तन लिखा था, मैंने कहा हाँ औसत में परिवर्तन ही लिखा था और औसत में परिवर्तन ही लिखूंगा, तभी तो क्या है हमारी ट्रिक सफल होगी। मैंने कहा कितनी ज्यादा है, आपने कहा सर पता नहीं है कितनी ज्यादा, मैंने कहा मान लो अक्ष ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, अक्ष मान लिया और नीचे 12 है, मैंने कहा ठीक है, औसत में परिवर्तन कितना हुआ है मेरे दोस्त, औसत में परिवर्तन यहाँ पे देखो 7.5 से कितना हो गया, 8.5 हो गया, 8.5 में से 7.5 घटाएंगे तो औसत में परिवर्तन हुआ है एक का, कितना बड़ा है, एक बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, एक बड़ा है, मैंने कहा 12 भाग में इस तरह आएगी तो गुणा में हो जाएगी, एक को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगी, मैंने कहा यहाँ पे लिखा था ना कितनी ज्यादा है, औसत से कितनी ज्यादा है, अरे 12 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, इसका मतलब पहले औसत था 7.5, अब कितनी बढ़ जाएगी बताओ, औसत कितना बढ़ जाएगा, मैंने कहा औसत से ज्यादा थी 12, कितनी ज्यादा थी, 12 ज्यादा थी, इसका मतलब वो संख्या आई है ना वो 19.5 थी, कितनी थी 19.5, पहले 11 संख्या को औसत 7.5 था, जैसे ही एक नई संख्या 12वीं संख्या 19.5 आई, मैंने कहा औसत से बड़ी है तो औसत को बढ़ाएगी, जैसे ये संख्या आई औसत बढ़ के कितना हो गया भाई 8.5 हो गया। अब आगे चलो तो 19.5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। अब आगे चलो भाई, आगे चलो क्या, ये लो फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए, तो 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या कर दिया भाई, देखो यहाँ पे समझो औसत में कितना बढ़ रहा है, औसत में परिवर्तन तो 5 का हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है, अब 13वीं पारी का हमने दे दिया इसने, इसने कितना दे दिया 85, कितना 85, अब पहले वाला औसत इसने दिया ही नहीं, पहले वाला औसत दिया ही नहीं, तो मैंने कहा देखो औसत 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब जो पहले वाला औसत था ना, इस नई संख्या 85 आई है, इससे तो क्या था, छोटा था, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी तभी तो औसत बढ़ने वाला है, मैंने कहा 85 कितना छोटा था वो हमें नहीं पता, मैंने कहा ठीक है मान लो पहले वाला औसत क्या करो, पहले वाला औसत कितना है, आप कहेंगे सर पता ही नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मान लो अक्ष है, कितना है अक्ष, अब आगे कह रहे हैं एक नई संख्या आ रही है 85, मैंने कहा नई संख्या आ रही है कितनी ज्यादा है और कुल कितनी संख्या है, कुल नई संख्या कितनी है, अब बराबर औसत में परिवर्तन कितना है, औसत में परिवर्तन कितना है,
मैंने कहा ठीक है भाई, यही तो थी हमारी ट्रिक, यही तो थी ना, कितनी ज्यादा है। अरे घटा के तो पता करते हैं। मैंने कहा पिचासी में से अक्ष घटाएंगे तो पता चल जाएगी कितनी ज्यादा है। हमेशा घटा के ही तो पता करते हैं हम, पिचासी में से अक्ष घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। कुल संख्या कितनी हो गई भाई? पहले तो संख्या 13 थी भाई, पहले 12 थी, और 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाए हैं, तो अब संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई? 13। मेरा मत करो, संख्या कितनी है? 13 है। औसत में परिवर्तन कह रहा है 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अक्ष का मान निकालना है, तो पहले वाला औसत आ जाएगा, पहले वाला औसत। हमें तो देखो नया औसत ज्ञात करना है, कह रहा है 13वीं पारी के बाद में नया औसत ज्ञात करना है, हमें तो नया औसत निकालना है भाई, नया औसत। पहले तो पहले वाला औसत तो निकाल लेते हैं। मैंने कहा 13 भाग में इस तरफ आएगी तो गुणा में आ जाएगी, 13 पंचा कितना होता है? आप कहेंगे सर 13 को 5 से गुणा करने पे 65 आएगा। कितना आएगा? 65 आएगा। मैंने कहा इस तरफ ले जाओ संख्या को। आपने कहा सर इस तरफ ले जाएंगे तो संख्या माइनस में हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो -20। मैंने कहा माइनस से माइनस गया, अक्ष बराबर कितना आ गया? 20। अक्ष बराबर 20 आ गया, अक्ष बराबर 20 आ गया। इसका मतलब पहले वाला औसत कितना था भाई? 20 था। पहले औसत कितना था? 20 था। जैसे ही एक नई संख्या आई 85, औसत 5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले 20 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ? 5 बढ़ जाएगा तो 20 से 5 कितना हो गया? 25। तो कितना हो जाएगा बेटा? 25 हो जाएगा। कह रहा है ना यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा। तो पहले वाला औसत ज्ञात किया है हमने, अभी तक नया नहीं ज्ञात किया था। तो पहले वाला औसत कितना आया था? 20 आया था। तो मैंने कह रहा 5 बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा 20 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगले वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहा है 34 व्यक्तियों के एक समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को शामिल कर रहा है, तो के स्थान पर एक नए व्यक्ति, कह रहा है 90 वाले को निकाल दो, एक नए व्यक्ति को लेके आओ, और उसका औसत वजन कितना है? 3 केजी बढ़ जाएगा। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। कह रहा है एक 90 केजी वाला है, उसको निकाल दो, उसको तो क्या कर लो, निकाल दो, और उसकी जगह एक नया। मैंने कहा 34 संख्या है, पहले कितनी है? 34। मैंने कह रहा है एक को निकाल दो तो कितना हो गया? 33। फिर से कह रहा है उसकी जगह एक नया लेके आओ, उसकी जगह नया लेके आओ, तो फिर से संख्या कितनी हो जाएगी? 34। अब देखो लास्ट में संख्या कितनी होगी? अभी भी 34 है, पहले भी 34 थी, अब भी कितनी है? 34 है। अब देखो 90 से अगर बड़ा लेके आऊंगा तो अभी तो वजन बढ़ेगा। मैंने कहा जब औसत से बड़ी संख्या आएगी तभी तो क्या है, औसत तो बढ़ने वाला है। मैंने कहा 90 से बड़ा आएगा तभी तो औसत 3 बढ़ने वाला है। अरे भाई इससे बड़ी होगी संख्या तभी तो औसत बढ़ेगा। मैंने कहा कितनी ज्यादा है भाई, इससे कितनी ज्यादा लेके आए कि औसत 3 हो जाए? आपने कहा सर कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? मैंने कहा पता नहीं है, मुझे अभी पता नहीं, ये तो मुझे निकालना है नीचे कुल टोटल कितना है। मैंने कहा लास्ट में अभी भी 34 है, कितना है? 34। और औसत में परिवर्तन कितना हुआ है दोस्त? औसत में परिवर्तन 3 हुआ है। कितना हुआ है? 3 हुआ है। मैंने कहा कितना बढ़ेगा? मान लो अक्ष बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? अरे भाई अक्ष बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? मैंने कहा अक्ष बढ़ेगा। तो 34 इस तरफ भाग में है, इस तरफ आएगी तो गुणा में हो जाएगी, और 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9 1 10 कितना आएगा? 102। इसका मतलब जो अगली संख्या आएगी वो इससे कितनी ज्यादा है? 102 ज्यादा है। कितनी है? 102 ज्यादा है। तो पहले कितनी थी? 90 थी। पहले कितनी थी? 90 थी। अब बढ़ के कितनी हो गई? 102 हो गई। मैंने कहा पहले 90 थी, अब बढ़ गई। मैंने कहा था ना कितना बढ़ेगा, अक्ष का मान आएगा वो बढ़ेगा। पहले 90 था, अब बढ़ के कितना हो गया बताओ? अब कितनी कितनी ज्यादा थी वो संख्या? कितनी ज्यादा थी 90 से? कितनी ज्यादा थी? तो कितनी ज्यादा थी? 192। कितनी ज्यादा थी? 192 थी, वो 192 थी। तो नया कितना हो जाएगा? उसका वजन कितना था जो नया आया? उसका 192 केजी का वो क्या है जो सदस्य है, वो क्या है? 192 केजी का जो नया आया है वो। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी देर तो थी जब औसत से बड़ी संख्या को शामिल करे, अगले वाला टाइप यहाँ पे केस टू चल रहा है। टाइप नंबर 5 का केस नंबर 2 चल रहा है। केस 1 तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। केस 2 चल रहा है, ये केस नंबर 2 है।
कि औसत से छोटी संख्या, अब मैंने बताया था ना जब भी औसत से छोटी संख्या औसत से छोटी संख्या शामिल करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा बेटा, घटे जाएगा। तो यहाँ पे देखो छह सदस्यों के परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है, कितनी है 42 वर्ष है। अगर 14 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए, 14 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या है औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। मैंने कहा इसको पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूं, एक बार फिर से क्या है बेसिक बता देता हूं। मैंने कहा छह परिवार के औसत 42 है, इसमें मतलब सभी संख्या को हम 42 मान सकते हैं। कितने सदस्य है, छह सदस्य, एक नया सदस्य आ रहा है, इसका मतलब जुड़ रहा है। मैंने कहा 42 है और 42 से छोटी संख्या जोड़ रहे हैं, 42 से क्या कर रहे हैं छोटी संख्या जोड़ रहे हैं, तो औसत घटेगा, औसत घटेगा। नए सदस्य कितने हैं, आपने कहा सर नए सदस्य तो है सात, कितने हो गए छह थे, अब कितने हो गए सात हो गए। मैंने कहा ठीक है गुणा करो, छह दूनी 12 हासिल किए, 6 4 24 रेखे 25 होता है, प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर लो आ जाएगा। आपने कहा सर 7 3 21 होता है, बच गया 5, 7 8 56 होता है, 7 8 कितना होता है 56 होता है, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड, अब नया वाला मेथड बताओ चेंज करेंगे क्या। मैंने कहा उस मेथड में कोई चेंज नहीं करना है, ट्रिक में कोई चेंज नहीं करा। मैंने कहा कितना बढ़ेगा, अब की बार घट रहा है, अब क्या हो रहा है कितना घट रहा है, कितनी कम है भाई संख्या, कितनी कम है यहाँ पे पता करना है, कितनी कम है, कितनी संख्या उससे जो पहले वाला औसत था उससे कितनी कम है, पहले वाले औसत से कितनी कम है। यहाँ पे ऐसे भी लिख लो भाई, पहले वाले औसत से कितनी कम है, औसत से कितनी कम है। और नीचे मैंने कहा कुल नए सदस्य आएगा, कुल नए सदस्य आएंगे और बराबर में हमारा देखो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वहां पे बढ़ रहा तो ठीक है बढ़ रहा है, कितना घट रहा है यहाँ पे कम है, घट रहा है तो कम है, बराबर में आएगा औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई ट्रिक चेंज नहीं करनी पड़ी, इससे ही कर लेंगे। कितना बताओ कितनी कम है, पहले 42 थी अब कितनी कम है बताओ, कितनी कम है, तो कम है तो उसके कारण औसत क्या होगा घटेगा भाई, औसत क्या होगा घटेगा। मैंने कहा कितनी कम है, आप कहेंगे सर 14 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 28 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई कितना कम है, आप कहेंगे सर 28 कम है, 28 कम है। मैंने कहा ठीक है नए सदस्य कितने हो गए, आपने कहा सर 7 हो गए, कितने हो गए 7, मैंने कहा 7 4 28 होता है तो माइनस 4 आ गया, कितना आ गया माइनस 4 आ गया, तो कितना घटेगा 4 घटेगा भाई, 42 था अब कितना हो गया, आप कहें सर 42 में से 4 घटाएंगे तो 38 हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ये तो क्या है डायरेक्ट हम सोच के भी कर सकते थे, अरे 42 से 14 घटाएंगे तो 28 आएगा, नए सदस्य 6 से 7 हो गए तो 28 से 7 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। मैंने कहा 42 माइनस 4 38 हो गया, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना आ जाएगा बी 38 हो जाएगा। अगर एक बार ट्रिक सीख लेना 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, अरे भाई कितने सदस्य है 6 सदस्य है, कह रहा है औसत आयु 35 वर्ष है, उनकी कितनी है 35 वर्ष है, कह रहा है परिवार में नवजात शिशु आ गया, भाई कौन आ गया, नवजात शिशु आने के कारण नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कईयों के कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कितनी कम करनी है वो बताया नहीं, जो नया सदस्य आ रहा है उसकी आयु पता ही नहीं है। मैंने कहा नवजात शिशु, जब भी कहना नवजात शिशु तो उसकी आयु कितनी माननी है, उसकी आयु कितनी माननी है, तो आप कहेंगे सर 0 वर्ष, कितनी माननी है 0 वर्ष माननी है। मैंने कहा नया आ रहा है 0 वर्ष का, कितना, अब देखो 35 वर्ष थी आयु कितनी थी 35, जो नया सदस्य आ रहा है उसकी आयु कम है उससे छोटी है तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, आप कहेंगे सर औसत घटेगा, औसत घटेगा। मैंने कहा जो नया सदस्य आ रहा है कितनी कम है उसकी आयु, आप कहेंगे सर 0 माइनस 35 करेंगे तो -35 है, कितनी कम है भाई -35 है। मैंने कहा ठीक है -35 है, मैंने कहा इसके कारण क्या होगा औसत घटेगा, औसत घटेगा। मैंने कहा नए सदस्य कितने हो गए, आपने कहा सर पहले 6 थे, जैसे ही शिशु नया आया नए बच्चे का जन्म हुआ
कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 पंजा 35 होता है, अरे माइनस 5, इसका मतलब 5 घटेगा, इसमें से पहले औसत 35 था, जैसे ही नया बच्चा आया जिसकी आयु 0 वर्ष है, तो औसत क्या हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला। देखो बिना पेन चलाए कर सकते थे, कैसे भाई, पहले औसत दे रखा है 35, नवजात शिशु आ रहा है जिसकी आयु कितनी होती है, 0 वर्ष, तो औसत से छोटा आ रहा है, तो औसत घटेगा भाई, कितना घटेगा, आप कहेंगे सर इसका अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना है, 35, नए सदस्य कितने हो गए, 7, 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजा 35 हो रहा, 5 घटेगा, पहले 35 था, 35 में से 5 घटाए तो 30 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया, क्वेश्चन को क्या कर दिया भाई, उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे ऐसे 45 डिब्बे है जिनका औसत भार 52 ग्राम है, कितना ग्राम है, 52 ग्राम है, कुछ डिब्बे नीले है और जबकि अन्य हरे हैं, यदि 40 ग्राम के औसत भार वाले 5 नीले डिब्बे और 43 ग्राम के औसत भार वाले 8 हरे डिब्बे शामिल किया जाए, तब औसत भार क्या होगा, तब औसत भार क्या होगा, अब बताओ कैसे करोगे, अब बताओ कैसे करोगे। अगर बेसिक मेथड यहाँ पे लगाने लग गए ना, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मेथड चेंज नहीं करेंगे, मैंने कहा पहले 45 डिब्बे थे, 45 डिब्बे थे, कितने डिब्बे आ रहे हैं, 40 ग्राम के 5 नीले डिब्बे आ रहे, पहले 45 थे, 5 नीले और आ गए, 5 नीले आ गए, मैंने कहा ठीक है, और कितने डिब्बे आ रहे हैं, कह रहा है 43 ग्राम के औसत भार वाले 8 हरे डिब्बे, 8 हरे डिब्बे आ रहे, तो बताओ कुल टोटल डिब्बे कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 45 5 50 और 8 51, कुल डिब्बे कितने हो गए, 51। मैंने कहा पहले 45 थे, अब 51 हो गए। अब यहाँ पे देखो पहले औसत कितना था, 52 था, औसत कितना था, 52 था, कह रहा है 40 ग्राम का, मैंने कहा औसत से छोटी संख्या आ रही है, तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, औसत बढ़ेगा या घटेगा, आप कहेंगे सर औसत घटेगा, मैंने कहा कितना घटेगा, कितना घटेगा, आपने कहा सर -40, -40, अंतर निकालो भाई, अंतर निकालो, आप कहेंगे सर 52 में से 40 घटाएंगे, तो 52 में से 40 घटाएंगे तो अंतर कितना हो गया, आपने कहा सर अंतर हो गया 40 में से 52 घटेंगे तो -12, कितना का अंतर है, -12 है भाई, अंतर कितना है, -12, कितने डिब्बे, यहाँ पे देखो डिब्बों की संख्या भी साथ में क्या है, एक डिब्बा नहीं आ रहा है, -12 5 बार होगा, कितनी बार, 5 बार, तो मैंने किया 5 से गुणा कर दिया, मैंने क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, मैंने कहा इसके इन 5 डिब्बों के कारण औसत घट रहा है। अगला चलो यहाँ पे 43 है, ये भी तो 52 से कम है, मैंने कहा औसत से छोटी संख्या आएगी तो औसत घटेगा, भाई कितना घटेगा, 43 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, मैंने कहा ठीक है इसके कारण भी घट रहा है, कितने डिब्बे है, आप कहेंगे सर 8 डिब्बे है, कितने हैं, 8 डिब्बे, मैंने कहा ठीक है, टोटल डिब्बे कितने थे, 58 थे, कितने थे, 58 थे, मैंने कहा जोड़ के निकालो, 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, और 9 अंठा कितना होता है, 72 होता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, और इसको डिवाइड किसने करना है, 58 से करना है, मैंने कहा ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के है जुड़ जाएगी, यानी -132, -132 हो गया क्या, 6 से 12 60 और 60 120 हो गया, 12 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, इसको 58 से डिवाइड करो, इसको 58 से डिवाइड करो, कितना चेक करो फटाफट, देखो कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 132 को अगर मैं हम 58 से डिवाइड करें, इसका अगर इसको 58 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, मैंने कहा चेक करो भाई, 8 3 24 5 3 15 2 17, ये तो ज्यादा हो गया, 2 बार 8 2 16 5 2 10 11, दो बार डिवाइड किया तो 116 आ गया, 116 आ गया, 32 में से 6, 12 में से 6 निकाले, 6 और 2 में से 1 निकाला, 16 आ गया, 16 आ गया, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगा लेंगे, एक संख्या उतार लेंगे, अब कितनी बार डिवाइड होगी, अब ये वाली संख्या कितनी बार डिवाइड होगी, बताओ देखिए कितनी बार डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे सर अब ये डिवाइड हो जाएगी, तो देखो यहां से मैंने कहा एक चीज और यह ध्यान में रखना, क्या औसत से छोटी संख्या है, इसका मतलब औसत घटेगा, औसत घटेगा भाई, 52 से छोटा होगा, मैंने कहा दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, या तो 51.25 होगा या 49.72 होने वाला है, मैंने कहा ठीक है भाग करके चेक कर लो, भाग करके
चेक कर लो फिर से कितनी बार डिवाइड होगा। आप कहेंगे सर फिर से दो बार डिवाइड होगा। कितनी बार? दो बार डिवाइड होगा, फिर से आ जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, मैंने कहा दस, दस में से चार जाएगा, दस में से छह जाएगा तो चार बचेगा, पांच में से एक चार आ जाएगा, फिर कितना? जीरो। अब कितनी बार डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर अब लगभग आठ बार, आठ पंच चालीस और कितना हो गया? छियालीस, यानी लगभग सात बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? सात बार लगभग डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कितना हो गया? 2.27। कितना घटेगा भाई? 2.27 घटने वाला है, 2.27 घटने वाला है। मैंने कहा बावन में से 2.27 कम करो, बावन में से 2.27 कम करो। आप कहेंगे सर ठीक है कम कर लेते हैं, 2.27 कम करेंगे कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा, और नौ में से दो जाएगा तो दो आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फटाफट बताओ। मैंने कहा इस तरह ग्यारह हो जाएगा, और ग्यारह में से जाएगा तो नौ आ जाएगा, इस तरह लगभग 49.23 आ जाएगा, लगभग 49 पॉइंट के लगभग आ जाएगा, 49 पॉइंट के लगभग आ जाएगा। कहीं पे गलती तो नहीं की? एक बार चेक कर लेते हैं भाई इसका अंतर कितना है। आप कहेंगे सर 12 है और 5 डिब्बे आ रहा है तो 12 पंचो 60 हो गया। आगे कह रहे हैं 43 ग्राम के उस पर 8 डिब्बे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 8 डिब्बे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 43 और 52 के बीच में अंतर 9 का है। मैंने कहा ठीक है, कितने डिब्बे आए हैं? 8 डिब्बे आए तो 9 × 8 = 72 होता है। मैंने कहा ठीक है, 2 × 6 = 3 = 12 132 होता है। 132 को 58 से डिवाइड किया, 132 को 58 से डिवाइड किया तो हमारा लगभग 2.27 आ गया, 2.27 आ गया। इसको 52 से कम किया तो लगभग 49 पॉइंट के कुछ लगभग यहाँ पे ये आया है। कितना आया है भाई? 23। यहाँ पे गलती हुई है, 9 में से 7 घटे तो 2 आया है, 7 3 आया है, कितना आया है? 7 3 आया है। तो मैंने कहा ये किसके आसपास है? इसके आसपास है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन क्या था, बड़ा था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन क्या है ट्रिक से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर बेसिक क्वेश्चन बेसिक मेथड लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा आगे चलो, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 29 पुरुष जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 20 वर्ष की आयु के एक नए पुरुष को शामिल कर रहा है, सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु याद करो, कर क्या रहा है? मैंने कहा औसत पहले 25 था, 25 से छोटा आ रहा है, 25 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब औसत घटेगा। आप कहेंगे सर कितना घटेगा? मैंने कहा 20 − 25 का अंतर कितना होता है? आप कहेंगे सर −5। मैंने कहा −5 घटेगा, नए सदस्य कितने हो गए ये बताओ? पहले 29 थे, जैसे ही एक नया सदस्य आया कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा −1/6 आ जाएगा भाई। 1 को 6 से डिवाइड करो, 1 को 6 से डिवाइड करो, तो यहां पे देखो औसत वो बढ़ेगा या घटेगा? औसत घटने वाला है। तो मैंने कहा 25 तो नहीं होगा और 25 से बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो छोटी संख्या है, इसका मतलब औसत घटेगा, तो 25 तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो घटेगा। तो ये दो ऑप्शन तो क्या कर लिए हमने? कट कर लिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो इसको डिवाइड करके पता कर लेंगे भाई। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार होगा, 6 आ जाएगा, और अब कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 × 36 होता है, फिर कितना बचा? आप कहेंगे सर 4 बचा, फिर 6 × 36 होता है, 1.66 आ गया। कितना आ गया? −1.66 आ गया। मैंने कहा ठीक है, कितना घटेगा? −1.66, पहले 25 था, मैंने कहा 25 में से तो घटाना है, 1.66 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार जाएगा, 9 में से 6 घटेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना था? 1 उसको दे, 4 में से 3 आ जाएगा तो 23.34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23.34 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रिक से, देखो एकदम आसानी से कर पाओगे, एकदम आसानी से कर पाओगे, मात्र 5 सेकंड का आपको टाइम लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट क्या करो, सोल्व करो। अब देखो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार ट्रिक देख लेना, अब वीडियो को पॉज करना है, अपने आप क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, अगर आपसे नहीं होता है फिर क्या है सोल्यूशन देख लो कि सर ने कैसे कराया। ऐसे बार बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। कह रहे एक कक्षा में 17 छात्रों का औसत 45 केजी है, कितना केजी है भाई? 45 केजी है।
इस समूह में से एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत एक घट जाता है। अब बताओ नया सबसे आ रहा है, औसत घट रहा है, क्या हो रहा है औसत? यहाँ पे लिखा हुआ है घट रहा है। मैंने कहा घटता कब है? जब औसत से छोटी संख्या को शामिल करते हैं। जब औसत से छोटी संख्या को शामिल करते हैं तो औसत घट जाता है, औसत घट जाता है। कितना घट रहा है? एक घट रहा है। कह रहे हैं नए छात्र का वजन ज्ञात करो, नए छात्र का वजन ज्ञात करो। तो बताओ मेरे को फटाफट, पहले तो ये बताओ कितना कम है, वो कितना कम है? यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो कितना कम है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा उसका मान है अक्ष है, तो वो इससे कितना छोटा है, वो इससे कितना छोटा है, तो कितना घटेगा अक्ष? मैंने कहा हम हमेशा यही तो करते हैं, मैंने कहा मान अक्ष है उसका, औसत वजन जो आ रहा है वो कितना है, अक्ष का है। मैंने कहा अक्ष में से 45 घटा लो, अक्ष में से 45 घटा लो, तो नया सदस्य आ रहा है उसका अक्ष माइनस 45 है, वो कितना है, अक्ष माइनस 45 है। मैंने कहा ठीक है भाई घट रहा है, यहाँ पे औसत क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब ये 45 से क्या है वो छोटा है, 45 से क्या है वो छोटा है, 45 से छोटा है, तो कितना घटेगा? पहले देखो 17 थे, अब नया आ रहा है तो कितने हो गए, 18 हो गए, और औसत कितना घट रहा है? आप कहेंगे सर औसत एक घट रहा है, कितना घट रहा है, एक घट रहा है। मैंने कहा औसत से छोटा है भाई, औसत से छोटा है, पहले वाले औसत से क्या है छोटा, तो 45 में से अक्ष घटाएंगे, 45 में से अक्ष घटा लेंगे, तो 45 माइनस अक्ष हो गया, बट्टा में 18 है, बट्टा में 18 है, तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 18 भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो गुणा में, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। मैंने कहा कितना छोटा है? आप कहेंगे सर माइनस एक्स, यहाँ पे 18 था, 45 इस तरफ आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। मैंने कहा 45 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? आपने कहा सर 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस का है, इस तरफ भी माइनस, माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 27, एक्स बराबर 27। तो कितने साल, कितने वर्ष का था वो? 27 केजी का था। हमें पूछ रहा है भार पूछ रहा है, तो कितने केजी का था? 27 केजी था। तो औसत 45 कह रहा है, 45 से छोटा आ रहा है तभी तो औसत घटेगा, 45 से कितना छोटा है, 27 है, कितना है वो 27 किलो का। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो नया टाइप, टाइप नंबर 6 वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन कैसे आने वाले। मैंने कहा किसी संख्या को हटाना है, इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे, एक नया संख्या को शामिल कर रहे थे, एक नई संख्या को शामिल कर रहे थे औसत में परिवर्तन। अब कर रहा है औसत, एक संख्या को निकालना है आपको, ग्रुप में से एक संख्या को क्या कर लेना है, निकालना है। अगर औसत से बड़ी संख्या को निकाल रहे हो ना, औसत से बड़ी संख्या को निकाल, मैंने कहा बड़ी संख्या जा रही है, बड़ी संख्या जा रही है, इसका मतलब घाटा है, औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर देखो वहां पे बड़ी संख्या आ रही थी तो औसत बढ़ रहा था, यहाँ पे उल्टा हो गया, अरे बड़ी संख्या जा रही है तो घाटा है, औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बड़ी संख्या निकालोगे तो औसत घट जाएगा, और यहाँ पे छोटी संख्या निकालोगे, अगर छोटा जाएगा तो कोई क्या है, औसत बढ़ जाएगा, छोटी संख्या जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, औसत बढ़ जाएगा। मैंने कहा एग्जांपल देके समझाता हूं, मैंने कहा तीन संख्या मानो, क्या मानो, तीन संख्या मानो। आपने कहा सर 5, 6 और 7 है। मैंने कहा इनका औसत कितना है, आप कहेंगे सर 6 है, औसत 6 है। मैंने कहा एक संख्या को निकाल दो, बड़ी संख्या को निकाल रहे हैं भाई, औसत 6 से बड़ी 7 है। मैंने कहा 7 को निकाल दो, 7 को क्या कर दो, यहां से इस ग्रुप में से निकाल दो। आप कहेंगे सर इसको निकाल देंगे तो पीछे 2 संख्या बचेगी, कितनी संख्या, 5 और 6 बचेगी, और इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 हो जाएगा। पहले औसत 6 था, अब घट के कितना हो गया, 5.5। जब बड़ी संख्या को निकाला तो औसत घट गया, अरे औसत से बड़ी संख्या को हटाने पे औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे देखो, मैंने कहा छोटी संख्या निकाल के चेक करो भाई, छोटी संख्या ग्रुप में से निकाल के चेक करो। आपने कहा सर अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से 3 से डिवाइड किया तो औसत 6 आया। मैंने कहा छोटी संख्या को निकालो, आपने कहा सर औसत 6 है, 6 से छोटा 5 है, 6 से छोटा 5, अब की बार इसको निकाल दो, अब की बार इसको निकाल दो। मैंने कहा चल निकल यहां से, चल निकल यहां से, इस ग्रुप में से निकल भाई, तेरा कोई काम नहीं है, पीछे बता 6 और 7 13 होता है। मैंने कहा 13 मेरा क्या कर रहा है, जब 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 6.5 आ जाएगा। मैंने कहा जब छोटी संख्या को निकाला तो औसत क्या हो गया, रे बढ़ गया, औसत क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने कहा औसत से छोटी संख्या को निकालोगे तो औसत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, औसत बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो वाले क्वेश्चन करने वाले। मैंने कहा पहले केस फर्स्ट को पकड़ते हैं, जब औसत से बड़ी संख्या निकालते हैं तो औसत घट जाता है। मैंने कहा संख्या को निकालना है, पहले तो संख्या को शामिल कर रहे थे, अब संख्या को निकाल रहे हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। मैंने कहा देखो फटाफट क्या करो, देखो आप तो ट्रिक चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा वही ट्रिक यहाँ पे लगेगी, वही ट्रिक यहाँ पे लिखा, टाइप चेंज हुआ है, ट्रिक चेंज नहीं होगी। मैंने कहा लास्ट तक ट्रिक को हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा आठ संख्याओं का औसत चॉइस है, आठ संख्याओं का औसत चॉइस है। कह रहे हैं इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए, संख्या को क्या कर दिया हमने निकाल दिया, तो औसत 22 हो जाता है। बताओ देखो औसत पहले 24 था, अब 22 हो गया, 24 था अब कितना हो गया 22, और संख्या को क्या कर रहा है हटा रहा है, इसका मतलब निकाल रहा है। मैंने कहा जब एक संख्या बड़ी संख्या को निकालते हैं ना, औसत से बड़ी संख्या को निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसका मतलब जो संख्या है वो औसत से क्या है बड़ी है, औसत से क्या है बड़ी है। बताओ कितनी बड़ी है, बताओ कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी है, उत्तर वही है कितनी बड़ी है। बट्टा में कुल नए सदस्य निकालने के बाद में कुल नए सदस्य और बराबर में है औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। मैंने कहा ट्रिक चेंज नहीं करनी है, ट्रिक चेंज नहीं है। मैंने कहा औसत से कितनी ज्यादा है, औसत से कितनी ज्यादा है, आप कहेंगे सर अक्ष ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। मैंने कहा अक्ष ज्यादा है तो औसत बढ़ने वाला है ना, औसत बढ़ने, मैंने कहा अक्ष ज्यादा है, अक्ष ज्यादा है। तो संख्या नई संख्या कितनी होगी, पहले आठ थी, एक को निकाल दिया, एक को ग्रुप से क्या कर दिया, अरे भगा दिया, तो संख्या कितनी हो गई। मैंने कहा सात बची, पीछे कितनी बची, सात बची। मैंने कहा ठीक है औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है, आपने कहा सर पहले 24 था घट के कितना हो गया 22, अरे परिवर्तन कितना हुआ औसत में, दो का हुआ, कितने का हुआ, दो का हुआ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अक्ष बराबर सात इस तरफ भाग में इस तरफ आएगी तो गुणा 17, सात दूनी 14 होता है। मैंने कहा कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है, आप कहेंगे सर औसत से 14 बड़ी थी, औसत तो था 24, इसे कितनी बड़ी थी 14 बड़ी थी, तो कितनी थी 38 थी, जो संख्या निकाली है ना आपने वो कितनी थी 38 थी। मैंने कहा औसत से बड़ी संख्या को निकाला तो औसत घट गया, औसत 24 था संख्या 38 थी बड़ी थी, उसको निकाला तो औसत क्या हो गया घट गया। इसे करना है, देखो ट्रिक में कोई चेंज नहीं किया, अभी भी वो सेम ट्रिक चल रही है, अभी भी वो सेम ट्रिक चल रही है। आगे देखो कह रहा है एक ट्रक और चार कार है, पहले एक ट्रक और चार कार है, औसत वजन 48 केजी है, औसत वजन कितना है 48 केजी है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो एक केजी की कमी हो जाती है, औसत घट रहा है मेरे दोस्त, औसत घट रहा है। मैंने बताया था जब भी औसत से बड़ी संख्या को निकालोगे, निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रक के वजन को अलग कर रहे हैं भाई, निकाल रहे हैं। मैंने कहा संख्या निकालोगे, अरे बड़ी संख्या को निकालोगे तो घाटा है, औसत क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है एक केजी कम हो गया, इसका मतलब जो संख्या थी ना वो 48 से बड़ी है, 48 से क्या है बड़ी है, कितनी बड़ी है वो हमें पता करनी है। मैंने कहा कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है, आप कहेंगे सर हमें पता नहीं है, तो मैंने कहा अक्ष मान लो, क्या मान लो अक्ष मान लो, पहले देखो चार कारें थी एक ट्रक था, पांच थे कुल, कितने थे पांच थे। मैंने कहा ट्रक को निकाल दिया, अरे ट्रक को निकालने पे क्या बचा चार कारें, कितनी कारें बची चार कारें बची। तो मैंने कहा अब सदस्य नए चार हो गए, एक को निकाल दिया, एक को क्या कर दिया भगा दिया, ट्रक को क्या कर दिया रवाना कर दिया। कह रहा है औसत एक केजी घट गया, मैंने कहा ठीक है कितना एक घटा ठीक है, तो अक्ष बराबर चार भाग में इस तरफ चार को एक से गुणा करें चार आ जाए, अक्ष का मान कितना आ गया चार। मैंने कहा कितनी बड़ी, आप कहेंगे सर चार बड़ी है, कितनी बड़ी है चार बड़ी है, पहले 48 थी उससे चार बड़ी है, 48 से चार बड़ी है, तो कितना है 52 है, 52 केजी था जो ट्रक को भगाया है, ट्रक को निकाला है, कितने किलो का था भाई 52 किलो का था, अरे कोई खिलौना था ट्रक वाला। आप सोचेंगे सर 52 केजी का कौन सा ट्रक होता है, अरे 52 किलो का कौन सा ट्रक होता है। मैंने कहा ये ट्रक खिलौना था, ये क्या था खिलौने वाला ट्रक था, खिलौना था, ऐसे मत समझ लेना कि 52 केजी का कोई ट्रक होता है। आगे चलो भाई आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है
आठ व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है, कितना केजी है? 40 केजी है। यदि एक व्यक्ति को हटा रहा है, क्या कर रहा है भाई? ग्रुप से निकाल रहा है। मैंने कहा जब भी बड़ी संख्या निकाल, कह रहा है औसत 38 हो जाता है। मैंने कहा पहले 40 था, अब कितना हो गया? 38 हो गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, अरे बड़ी संख्या को निकाला होगा तभी औसत क्या है घट गया, तभी तो औसत घट गया। तो हटाए गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, हमें पता करना है अरे कौन सी संख्या हटाई। मैंने कहा अगर बड़ी संख्या थी तभी तो औसत घटा है, कितनी बड़ी अब पता करो, कितनी बड़ी? आपने कहा सर हमें तो नहीं पता कितनी बड़ी। मैंने कहा अक्ष मान लो, अक्ष मान लो, पहले आठ व्यक्ति थे, एक को भगा दिया, एक को भगा दिया, तो नए कितने हो गए? नए 7 हो गए बेटा, नए कितने हो गए? 7 हो गए। मैंने कहा औसत में परिवर्तन, पहले 40 था अब 38 हो गया, पहले 40 था अब 38, औसत में परिवर्तन कितना हुआ है? आपने कहा सर 2 का परिवर्तन, कितने का? 2 का। मैंने कहा ठीक है भाई, 7 भाग में गुणा में अक्ष 7 × 14 होगा। मैंने कहा 14 बड़ी थी, कितनी थी? 14 बड़ी थी, पहले था 40 का, 40 का तो था, इससे बड़ी कितनी थी? आप कहेंगे सर 14 बड़ी थी, तो मैंने कहा 54 की रही होगी, 54 किलो का था वो व्यक्ति, कितने किलो का था? 54 किलो का था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आगे चलूं क्या? आगे चलूं क्या? क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को उड़ाए क्या? अगले क्वेश्चन को उड़ा देना, फटाफट क्या कर दो? उड़ा दो, ट्रिक लगाओ और क्वेश्चन को क्या कर दो भाई? उड़ा दो। कह रहे 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, कितनी वर्ष है? 20 वर्ष है। यदि एक शिक्षक छोड़ दिया जाए भाई, शिक्षक को क्या कर दिया? निकाल दिया ग्रुप से, क्या कर दिया? निकाल दिया, तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, कम हो रही है। मैंने कहा औसत 20 है, शिक्षक को जैसे ही बाहर निकाला औसत क्या हो गया? घट गया, 1.5 वर्ष घट गया। इसका मतलब शिक्षक की जो आयु थी वो 20 वर्ष से क्या थी? ज्यादा थी, 20 वर्ष से ज्यादा थी। बड़ी संख्या को निकाला तभी तो औसत क्या हो गया? घट गया। तो शिक्षक की पूछ रहा है आयु कितनी है। मैंने कहा शिक्षक कितना बड़ा था? अरे भाई कितना नहीं, कितने बड़े थे? थोड़ा सम्मान दो शिक्षक को, क्या दो बेटा? सम्मान दो, तभी तो क्या है, कुछ सीखने वाले हो। अरे जिससे सीखते हो उसको क्या दो बेटा? सम्मान देना जरूरी है। मैंने कहा कितने बड़े हैं शिक्षक, कितने बड़े हैं? आपने कहा सर पता नहीं। मैंने कहा अक्ष मान ले, क्या मान ले? अक्ष मान ले। मैंने कहा पहले 14 विद्यार्थी और एक शिक्षक था, अरे शिक्षक को हटाया तो कितने बचे? 14 विद्यार्थी पीछे बच गए। औसत कितना घट गया दोस्त? औसत घट गया 1.5 वर्ष घट गया। तो मैंने कहा कितनी बड़ी? आप देखो 14 इस तरफ भाग में, तो 15 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 पंजो कितना होता है? 70 होता है क्या? मैंने कहा ठीक है, 14 और 7 21 होता है क्या? आपने कहा सर होता है। मैंने कहा एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो, तो 21 कितना बड़ा थे शिक्षक, कितने बड़े थे? अरे भाई 21 वर्ष बड़े थे, पहले औसत कितना था? 20 था, इसे कितने बड़े थे? 21 थे, तो 41 वर्ष के थे। शिक्षक की आयु कितनी थी भाई? 41 वर्ष थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? कह रहा है 11 क्रिकेट खिलाड़ी व एक कोच की औसत आयु 27 वर्ष है, कितनी है? 27 वर्ष। सभी की औसत आयु कितनी है? 27। 11 तो देखो टीम के खिलाड़ी हैं, एक कोच भी है। कह रहा है यदि कोच की आयु निकाल दी जाए, यदि कोच को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, कोच को निकाल दिया जाए, तो औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। कोच की आयु नहीं, कोच को ही निकाल दो, कोच को निकाल दिया जाए। टाइपिंग मिस्टेक, टेक्निकल टीम की टाइपिंग मिस्टेक। मैंने कहा यदि कोच को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, दिया जाए, तो औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, 3 वर्ष घट जाती है। मैंने कहा पहले 27 थी अब घट रही है, अरे औसत क्या हो रहा है दोस्त? घट रहा है। तो मैंने कहा संख्या औसत से बड़ी रही होगी तभी तो औसत क्या हो रहा है? घट रहा है। आप कहेंगे सर कितनी बड़ी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी है। अरे अक्ष मान लो, अक्ष मान लो। मैंने कहा मान लिया ठीक है, 11 खिलाड़ी बच गए, कोच चले गए, कोच चले गए, तो 11 खिलाड़ी बच गए, कितना घट गया औसत? औसत में परिवर्तन दोस्त 3 का है। मैंने कहा ठीक है, अक्ष बराबर 11
गुणा 33 आ गया, अक्ष कितना था 33, इसका मतलब जो कोच की आयु थी औसत से कितनी बड़ी थी, 33 वर्ष बड़ी थी, इसका मतलब 27 थी, तो 27 से कितने थी 33 बड़ी थी, इसका मतलब 60 वर्ष का था जो कोच था, वो कितने वर्ष का था भाई, 60 वर्ष का था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। अब आगे चलू क्या, आगे देखो फिर से एक नया मोड आ रहा है, टाइप के अंदर क्या आ रहा है, फिर से एक नया मोड आ रहा है। मैंने कहा केस फर्स्ट पूरा हो चुका है, टाइप सिक्स का केस नंबर टू चालू हो चुका है। केस नंबर टू में क्या था, मैंने कहा पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक बड़ी संख्या को निकाल रहे थे, अब औसत से छोटी संख्या को निकालेंगे। तो मैंने बताया था ना, जब भी औसत से छोटी संख्या को निकालेंगे औसत क्या होगा, औसत में परिवर्तन होगा तो वो औसत बढ़ेगा, औसत क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। मैंने एग्जांपल देके भी क्या है आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे अब आगे जो भी क्वेश्चन है उनमें क्या होगा, एक संख्या जो निकालेंगे वो औसत से क्या होगी, छोटी होगी, और औसत क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने कहा पांच संख्याओं का औसत 8 दे रखा है, कितना दे रखा है 8, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया, भाई निकाल रहे हैं, निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे शामिल करने वाले तो दोनों केस पहले ही सलटा दिए, संख्या को हटा रहा है तो औसत 9 हो जाता है, औसत 9 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। औसत क्या हो रहा है दोस्त, बढ़ रहा है, इसका मतलब जो संख्या थी ना वो 8 से छोटी थी, वो संख्या 8 से क्या थी, छोटी थी। मैंने कहा एक ऑप्शन कट हो गया, 8 से छोटी थी तो ये भी 8 भी नहीं होगा, 8 से छोटी होगी तो 8 भी नहीं होगा, दो संख्या को क्या कर दिया मैंने, उड़ा दिया। तो दो ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन बचे हैं। तो कितना छोटा था वो, कितनी कम थी, कितनी ज्यादा नहीं, अब कितनी कम थी, क्या थी वो, कम थी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, आपने कहा सर अक्ष मान लो, मैंने कहा ये लो भाई अक्ष मान लिया, तो बताओ पहले तो 5 थी, जैसे एक को हटाया एक को निकाल दिया तो 4 बची। मैंने कहा था ना नए सर से लेने हैं, औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है, आपने कहा सर 8 था अब 9 हो गया, अरे 8 था अब 9 हो गया, एक बढ़ गया, क्या हो गया, एक बढ़ गया। मैंने कहा एक ही तो बढ़ा है, औसत में परिवर्तन एक का ही तो हुआ है, 4 इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में अक्ष बराबर 4, तो वो कितनी छोटी थी, 4 छोटी थी, 8 से कितनी छोटी थी, कितनी कम थी। आपने कहा सर अब कम है तो घटा लेंगे, कम है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे हम, इतने तो क्या है समझदार है, संख्या छोटी थी तो 8 में से 4 घटाए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने कहा ऑप्शन नंबर फिर सी क्या है, राइट हो गया। मैंने कहा अब आगे चलो, आप कहेंगे सर चलते हैं आगे, चलते हैं, मैंने कहा चलते बनो। कह रहा 6 व्यक्तियों की औसत आयु 35 केजी है, कितने केजी है 35, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, क्या कर रहा है भाई, हटा रहा है, बाहर निकाल रहा है, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, औसत भार 40 केजी हो रहा है। मैंने कहा औसत बढ़ रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब जो संख्या भगाई है वो क्या है, इस संख्या से छोटी थी, 35 से क्या थी, छोटी थी, सभी में से एक संख्या बड़ी है। मैंने कहा ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया, अब 3 बच गए भाई, ऑप्शन कितने बच गए, 3 बच गए। मैंने कहा कितनी छोटी थी, कितनी छोटी है बताओ, देखे कितनी छोटी है, आप कहेंगे सर पता नहीं, मैंने कहा अच्छा पता नहीं है तो अक्ष मान लो, क्या मान लो, अक्ष मान लो। आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा एक को भगा दिया, पीछे कितने बचे रहे, 5 बचे। मैंने कहा औसत में परिवर्तन बताओ देखे कितना हो रहा है, आपने कहा सर 35 से 40 5 किलो बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, 5 भाग में गुणा में जो 25 होता है। मैंने कहा कितनी छोटी थी, आप कहेंगे सर 25 छोटी थी, पहले 35 थी उसे कितनी छोटी थी, 25 छोटी थी, इसका मतलब कितनी थी रे, 10 थी, कितनी थी, 10 किलो का था, जिसको भगाया है वो 10 किलो का था, इसका मतलब वो क्या था, एक बच्चा था, तभी तो 10 किलो का था, कोई आदमी 10 किलो का थोड़ी होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 20 है, औसत 22.5 करने के लिए इनमें से हटाई गई संख्या याद करो। मैंने क्या कहा था, औसत बढ़ रहा है दोस्त, औसत बढ़ रहा है, संख्या को भी निकाल रहा है, संख्या को भी निकाल रहा है। मैंने कहा छोटी संख्या निकालोगे तो ही औसत क्या है बड़ा होगा, इसका मतलब 7 से संख्या है क्या होगी, छोटी होगी। मैंने कहा एक ऑप्शन तो कट कर देते हैं, देखो हो सकता है एग्जाम में आपके तीनों ऑप्शन कट हो जाए, केवल ऑप्शन एक ही बचे, डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे ही हो जाए, सोल्व भी ना करना पड़े, तो पहले ऑप्शन चेक कर लेना बेटा।
तो कुछ क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है। मैंने कहा संख्या छोटी है। कितनी छोटी? आप कहेंगे सर अक्ष छोटी, अक्ष छोटी। मैंने कहा अरे सात में से एक को भगा दिया तो कितनी बची? छह बची। मैंने कहा औसत में परिवर्तन? आप कहेंगे सर 20 से 22.5, 22.5 हो रहा है, इसका मतलब 2.5 औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2.5 का हो रहा है, 2.5 का हो रहा है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे छह इस तरह आएगा तो गुणा कर लो, 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 2 = 12, 3 = 15 होता है एक संख्या के बाद में पॉइंट। तो कितनी कम थी? 15 कम थी। कितनी कम थी रे? 15 कम थी, पहले 20 थी, इससे 15 कम कर दो। इसका मतलब जो संख्या चली गई, जो छोड़ के चली गई, उसको छोड़ दो। कितनी थी? वो तो कम थी, उसको तो क्या है, छोड़ दो भाई, जाने दो। क्या करो? अरे जाने दो, जाने दो, हमें तो फायदा हो रहा है, हमारा तो औसत बढ़ रहा है, जाने दो, जा रही है तो उसको क्या करो, जाने दो। अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कमेंट कर दो भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या कर दो, आप कमेंट कर देना ऑप्शन में, क्या कर देना, कमेंट कर देना नीचे, कमेंट में कर दो कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करेंगे और कमेंट करना ना भूले, कमेंट करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक 6 जहाज कर्मी है का औसत वजन 50 किग्रा है। जब एक जहाज कर्मी का वजन 40 किग्रा है को निकाल दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करो, नया औसत ज्ञात करो। मैंने कहा 50 किलो तो औसत वजन था। अब देखो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि औसत कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, कह रहा है उस आदमी का वजन पहले ही दे दिया, उस आदमी का वजन पहले दे दिया, कह रहा है 40 किलो का है, कितने किलो का है, 40 किलो। मैंने कहा जब छोटी संख्या को निकाल रहे हो तो औसत बढ़ेगा दोस्त, औसत क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई बताओ कितना बढ़ेगा। आपने कहा सर नहीं पता, नहीं पता। मैंने कहा क्या करो, कितना बढ़ने वाला है ये पता करना है, कितना बढ़ने वाला। मैंने कहा संख्या कितनी छोटी है? आप कहेंगे सर 10 है। कितनी छोटी है? 10। मैंने कहा औसत में परिवर्तन ज्ञात करना है बेटा, औसत में क्या करना है, इस बार परिवर्तन ज्ञात करना है, क्योंकि इसकी वजन तो पहले ही दे रखा है, इसका अक्ष का मान तो क्या है, पहले ही दे रखा है। मैंने कहा औसत कितना बढ़ेगा, औसत में परिवर्तन कितना होगा, औसत में परिवर्तन कितना होगा वो पता करना है, वो क्या करना है, पता करना है। तो मैंने कहा जो संख्या थी कितनी छोटी थी? आप कहेंगे सर 10 छोटी थी। अरे देखो एक को भगा दिया, पीछे कितने बचे, 5 बचे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। मैंने कहा औसत 2 बढ़ेगा दोस्त, पहले 50 था ना, अगर पहले 50 था तो औसत में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 2 हो रहा है, ये औसत में परिवर्तन है, ये औसत में परिवर्तन आया है, कितने का, अरे 2 का, 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका मतलब 52 kg का था, कितना था, 52 हो गया, नया औसत कितना हो गया, जब एक को भगा दिया, जब एक छोटे को भगा दिया तो औसत क्या हो गया दोस्त, बढ़ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसी के साथ क्या हो गया, हमारी आज की क्लास समाप्त हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छी लगी, आपने क्वेश्चनों को उड़ाया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को क्या कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और सर्च करना है, वहां पे उत्साह ऐप, इस लोगो, ये लोगो वाला ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट में पीडीएफ मिलने वाली है, और क्या मिलने वाला है, अरे मॉक टेस्ट मिलने वाला है, मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ये आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को जांच कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं, अरे एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं, राइफल आपके कंधे पे होगी या नहीं होगी, पहले ही चेक कर लो, पहले ही मॉक टेस्ट देके चेक कर लो। मैंने कहा ये सब कुछ राइफल मेन बेस पूरा फ्री है, तो ये सब कुछ भी आपको क्या मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। इस बात में क्या कर लो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। फिर से औसत का एक क्लास और बची है, फिर से क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं, तो क्या कर लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक क्वेश्चनों को उड़ाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो और क्वेश्चनों को उड़ाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे धन्यवाद आपका।